इतिहास में सीरियल किलिंग की घटनाएं काफ़ी पुरानी हैं। सीरियल किलर ठग बहराम से लेकर निठारी के नरपिशाच सुरेंद्र कोहली तक अनेक नाम हमारे सामने हैं। ट्रुथ सागा ऐसी घटनाओं पर एक सीरीज पेश कर रहा है। इस कड़ी में आज पेश है कुख्यात सीरियल किलर साइनाइड मोहन, जिसने 20 महिलाओं को मौत के घाट उतारा। कहानी 2003 से शुरू हुई थी। अनीता नाम की लड़की को आनंद से प्यार हुआ। दोनों शादी करना चाहते थे और इसलिए अनीता सब कुछ छोड़कर आनंद के पास चली गई। अपनी आखिरी सांस तक वो एक पल भी समझ ना सकी कि प्यार तो सिर्फ चाल था और शादी सिर्फ एक सपना, और मकसद सिर्फ संबंध या लूटना नहीं था बल्कि बात उसकी जान जाने तक पहुंचने वाली। अनीता ने अपने बॉयफ्रेंड आनंद से बातचीत करने के बाद शादी करने के लिए अपने घर से भागी थी। साल 2009 में कर्नाटका के हसन जिले के बस स्टैंड पर आनंद ने अनीता को रिसीव किया और बस स्टैंड के पास ही एक होटल में ले गया। यहाँ दोनों ने अगले दिन मंदिर में शादी करने की योजना बनाई और दोनों एक दूसरे का साथ पाकर खुश थे। दोनों डिनर करने गए और डिनर के बाद दोनों इस कमरे में वापस आ गए। अनीता चाहती थी कि वह शारीरिक संबंध शादी के बाद बनाए, लेकिन आनंद के जिद से मजबूर हो गई। उसी रात दोनों के बीच शारीरिक संबंध बने और आनंद ने उससे अगले ही दिन शादी हो जाने की बात कही तो उसकी चिंता कम हो गई। अगली सुबह अनीता होटल के कमरे में पूरे श्रृंगार के साथ तैयार हुई। आखिर क्यों ना हो, उसकी शादी थी। अनीता ने जरी के बॉर्डर वाली साड़ी पहनी, नए झुमके और कांच की चूड़ियाँ, फूलों के गजरे से जूड़ा सजाया और नए सैंडल पहने। आज उसकी शादी मंदिर में होने वाली थी और वह उमंग से भरी हुई थी। आनंद शादी के लिए कुछ इंतजाम करने की बात कहते हुए होटल से निकल गया और अनीता से थोड़ी देर बाद बस स्टैंड आने को कहा। वहाँ से दोनों को साथ मंदिर जाना था। थोड़ी ही देर में तैयार होकर अनीता बस स्टैंड पहुंची। आनंद वहाँ उसका इंतजार कर रहा था। आनंद ने अनीता से कुछ ही देर बाद मंदिर जाने की बात कहते हुए अपनी जेब से एक टैबलेट निकाली। यह टैबलेट अनीता को देते हुए आनंद ने बताया कि यह गर्भ निरोधक गोली है। अनीता ने एक आध सवाल किए तो आनंद ने उससे बस स्टैंड के टॉयलेट में जाकर यह टैबलेट खाने को कहा। उसका कहना था कि हो सकता है कि इसे खाने के बाद किसी प्राइवेट किस्म की जरूरत महसूस हो। किसी तरह आनंद ने अनीता को ऐसा करने के लिए मना लिया और उसकी ज्वेलरी भी आनंद ने बाहर ही उतरवा ली। अनीता ने बस स्टैंड के सार्वजनिक टॉयलेट में जाकर टैबलेट खा ली। कुछ देर आनंद बाहर इंतजार करता रहा। किसी और महिला को टॉयलेट इस्तेमाल करना था, लेकिन दरवाज़ा भीतर से बंद था और इंतज़ार के बाद कुछ महिलाओं ने बाहर से दरवाज़ा पीटना शुरू किया। क्योंकि काफ़ी देर से दरवाज़ा बंद था, अंदर से कोई आवाज़ ना आने के बाद वहाँ भीड़ जमा होने लगी। इस भीड़ के जमा होने के बाद आनंद होटल के कमरे की तरफ लौट आया और वहाँ उसने अनीता के पूरे सामान की तलाशी ली और फिर काम की चीज़ों को रखने के बाद सारा सामान नष्ट कर दिया। थोड़ी ही देर बाद आनंद ने होटल का कमरा छोड़ दिया और किसी बस में बैठकर किसी और जगह चला गया। उधर बहुत देर बाद टॉयलेट का दरवाज़ा किसी तरह खोला गया तो भीतर अनीता की लाश बरामद हुई। कौन था ये आनंद? कैसे हुई थी अनीता की मौत? इन सवालों का जवाब तलाशने की कहानी 2003 से शुरू हुई। 2003 से 2009 के बीच दक्षिण कर्नाटका के 6 शहरों में करीब 20 मामले सामने आए, जिनमें लड़कियों या औरतों की मौत बस स्टैंड के नज़दीक के टॉयलेट के भीतर हुई। इन 20 मौतों के मामलों में काफ़ी कुछ कॉमन था, जैसे ये सभी महिलाएं 20 से 30 साल की उम्र की थी। जब लाश बरामद हुई तो सभी ने अच्छी या खास किस्म की साड़ी पहनी थी, लेकिन ज्वेलरी नहीं थी। उनके श्रृंगार से यह महसूस होता था कि वह सभी दुल्हन बनी थी। इतनी समानताओं के बावजूद पुलिस को कोई अंदाज़ा नहीं था कि कुछ ऐसा आसपास के शहरों में हो रहा है। पुलिस को सही जाँच के लिए तब मजबूर होना पड़ा जब 19वें मामले में बात बिगड़ गई। 16 जून 2009 को बंटवाल से 22 साल की अनीता गायब हुई तो हंगामा हो गया। उसके समुदाय के लोगों ने अनीता की गुमसुदगी को सांप्रदायिक रंग दे दिया। किसी मुस्लिम लड़के पर उसे भगा ले जाने का शक जताया। इसी हंगामे में पुलिस स्टेशन जलाने तक की धमकी इस भीड़ ने दे डाली। तब पुलिस ने 1 महीने के भीतर केस सुलझाने का वादा किया। इसके बाद पुलिस ने तहकीकात शुरू की तो अनीता के फ़ोन कॉल के जरिए एक और लड़की कावेरी के बारे में पता चला। पुलिस को हैरानी हुई कि कावेरी भी गायब थी। कावेरी केस की जाँच से एक और लिंक मिला पुष्पा के बारे में। बाद में पता चला वो भी गायब हो चुकी। ऐसे ही पुलिस को एक के बाद एक कई लड़कियों के गायब होने की सूचना मिली और तस्वीर एक हद तक साफ होने लगी। इन तमाम लड़कियों के गायब होने के मामलों की बारीकी से तफ्तीश के दौरान एक कॉमन लिंक पुलिस को मिला कि किसी न किसी तरह सबका संबंध मैंगलुरु के एक गाँव से जुड़ा था। इस गाँव से कभी न कभी इन गायब हुई लड़कियों को फ़ोन किया गया था या उन्होंने यहाँ किसी को फ़ोन किया था। अब पुलिस को शक था कि यहाँ से कोई सेक्स रैकेट संचालित होता है और लड़कियों को इस धंधे में झोंक दिया गया है। इसी गांव पर केंद्रित जांच आगे चली
तो गायब हुई एक लड़की की फोन पर धनुष नाम के लड़के से बातचीत होने की बात पता चली। उससे पूछताछ में पता चला कि उसके अंकल प्रोफेसर मोहन कुमार ने उसे ये फोन दिया था और इस पर उनके लिए ही कॉल आते थे। अब मोहन की तलाश शुरू हुई तो पाया गया उन दिनों बंटवाल के एक लड़की सुमित्रा से फोन पर लंबी बातचीत कर रहा था। पुलिस जब मोहन के पास पहुंची तो जो खुलासा हुआ तो उसे सुनकर पुलिस के होश उड़ गए। पुलिस हिरासत में प्रोफेसर ने जल्दी खुलासा कर दिया कि गायब हुई 20 लड़कियों के मौत का जिम्मेदार वही है। हालांकि मोहन ने शुरुआती पूछताछ में 32 महिलाओं के मरने की बात कही थी, लेकिन बाद में इस संख्या से वह मुकर गया। मोहन ने कहा कि वह गरीब परिवारों की शादी की इच्छुक युवतियों को इम्प्रेस करता था, उन्हें शादी का झांसा देता था और उसके बाद उन्हें किसी होटल में बुलाता था। वहां उनके साथ संबंध बनाने के बाद शादी का प्लान बनाता था। इसके बाद किसी बहाने से सार्वजनिक रेस्टोरेंट में उन्हें गर्भ निरोधक गोली खाने के लिए राजी कर लेता था। विज्ञान का शिक्षक रहा मोहन इन गोलियों में पहले से ही साइनाइड मिला दिया करता था, जिससे गोली खाते ही युवती की तुरंत मौत हो जाती थी। फिर वह होटल के रूम में जाकर इन लड़कियों के ज्वेलरी और कीमती सामान लेकर चंपत हो जाता। सीरियल किलिंग को अंजाम देने के लिए उसने एक सुनार से लंबे समय तक ज्वेलरी संबंधी काम लिया और एक केमिकल डीलर से साइनाइड खरीदा। इस डीलर ने बाद में कहा था कि उसने सुनार समझकर मोहन को साइनाइड दिया था, जो ज्वेलरी के पॉलिश के काम में इस्तेमाल होता है। दूसरी बात यह है कि उस वक्त राज्य में साइनाइड आसानी से सिर्फ 250 रुपए किलो के हिसाब से खरीदा जा सकता था। इसके अलावा शातिर मोहन हर बार अलग लड़की से आनंद, भास्कर, स्वामी जैसे अलग अलग नामों से मिलना करता था। उसके करीब 12 उपनाम सामने आए थे। वह लड़की से मिलते वक्त उसकी जाति का ही सरनेम बताया करता था और खुद को हमेशा सरकारी नौकरी में होना बताता था। इन तमाम कारणों से लड़कियों को झांसा देने में उसे आसानी होती थी। पुलिस हिरासत में आने के बाद से ही इस हत्यारे को साइनाइड मोहन के नाम से जाना जाने लगा, जिसे 2013 में मौत की सजा सुनाई। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियोस के लिए। अगर आपका कोई सुझाव है तो हमें ईमेल करें डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल पर। धन्यवाद।